यह है आज इफ्तार पार्टी में मैंने खजूर चंदू पाटिल साहब के हाथ से मेरा रोजा खोला मैंने। ये जो गंगा जमुना तेजी गुलबर्गा में चल रहा है, चलते आ रहा है, आगे दिनों में ऐसा ही रहना, ऐसा ही भाईचारा रहना चाहिए। और बहुत लोगों ने हमारे को इफ्तार पार्टी बुलाया है, हमारे को हम हर तरफ जाएंगे। हर बीजेपी के लीडरों के माइंड में ऐसी चंदू पाटिल साहब के जैसा माइंड सबका बनना बोल के मैं बोलना चाहता हूँ। क्यों बोले तो आज उन्होंने कौन सा कम्युनल्स वगैरह माइंड में रख के इधर आए, ने सेकुलर माइंड रख के इधर आए। ಯಾವ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಭಗವಾನ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಾ ಇಸ್ ಇಫ್ತಾರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೇ ತಮಾಮ್ ಮಜಹಬ್ ಕೆ ಲೋಗ್ ತಮಾಮ್ ಸಿಯಾಸಿ ಪಾರ್ಟಿಯೋ ಕೆ ಲೋಗ್ ಶಿರ್ಕತ್ ಹುಯೆ। गुलबर्गा में सभा फंक्शन हॉल में हमारे अजीज दोस्त, हमारे पार्टी के माइनॉरिटी प्रेसिडेंट अब्दुल रब साहब ने आज एक इफ्तार पार्टी होस्ट करे। सो ये 14th डे है आज उनका रमज़ान का, तो आज बहुत खुशी हुआ वो लोग हमारे को इफ्तार पार्टी को इनवाइट करे। सो लास्ट टाइम 2 साल से कोरोना की वजह से गुलबर्गा में इफ्तार पार्टी नहीं हुआ और रमज़ान भी मनाना नहीं हुआ था। इस बार कोरोना गए सो है, एक अच्छा माहौल बना सो है। सब लोग इस बार जो 2 साल जो मिस करे आप लोग रमज़ान को, इस बार हम सब लोग मिलके बहुत तेज दिल से बहुत अच्छी तरीके से मनाएंगे हम लोग सब तरफ। ये जो गंगा जमुना तेजी गुलबर्गा में चल रहा है, चलते आ रहा है, आगे दिनों में ऐसा ही रहना, ऐसा ही भाईचारा रहना चाहिए। और बहुत लोगों ने हमारे को इफ्तार पार्टी बुलाया है, हमारे को हम हर तरफ जाएंगे। और एक अच्छा संदेश है गुलबर्गे में एंड माहौल ऐसा ही रहना चाहिए। और मैं हमारे रब साहब को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, एक अच्छा इफ्तार पार्टी जो अरेंज कर हम लोग को शामिल करें उसमें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातो। आज सभा फंक्शन हॉल में जो अब्दुल रब साहब ने जो आज इफ्तार पार्टी जो अरेंजमेंट किए हैं, तो आज हमारे चंदू पाटिल साहब और हमारे स्वामी जी पूरे लोग यहाँ पे, नॉन मुस्लिम्स लीडर्स भी यहाँ पे आए हैं। आज एक खुशी की दिन है कि आज पूरे अपने बीजेपी के लीडर्स, जेडीएस के लीडर्स भी यहाँ पे आए। हम लोग को बहुत खुशी हो रहा है कि आज एक इफ्तार पार्टी में हर बीजेपी के लीडरों के माइंड में ऐसी चंदू पाटिल साहब के जैसा माइंड सबका बनना बोल के मैं बोलना चाहता हूँ। क्यों बोले तो आज उन्होंने कौन सा कम्युनल्स वगैरह माइंड में रख के इधर आए, ने सेकुलर माइंड रख के इधर आए, और हमको बहुत खुशी हो रहा है। आज अब्दुल साहब भी मेरे को 2-3 बार फ़ोन करे, चंदू पाटिल साहब आ रहे आप आना है रेड्डी साहब बोल के। तो आज मैं सब लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पे जो आज माहौल यहाँ पे गुलबर्गे के अंदर जो आज जो आवाम के बीच जो इफ्तार पार्टी किया गया है, तो आज आवाम को भी एक बहुत अच्छा मैसेज पहुँचता है बोल के मैं बोलना चाहता हूँ। गुलबर्गे में हर कोई जिस तरह ही इफ्तार पार्टी अरेंजमेंट करना बोल के मैं बोलना चाहता हूँ। बरकात हो, आज बड़ा खुशी का दिन है। हमारे अब्दुल रब साहब आज सभा फंक्शन हॉल गुलबर्गा में इफ्तार पार्टी रखे हैं। इस इफ्तार पार्टी में तमाम मजहब के लोग, तमाम सियासी पार्टियों के लोग शिरकत हुए। तो यहाँ से एक मैसेज जाता है इस पर कि हम सब हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। कुछ बीजेपी के लोग भी आए थे, कांग्रेस के लोग भी आए थे, जनता दल के भी आए थे, मैं आम आदमी पार्टी से भी आया हूँ। ये पार्टी है, ये इफ्तार है, हर एक को आना चाहिए। ये हिंदू मुस्लिम का पैगाम की दावत है। ये इफ्तार, ये दावत जो है हिंदू मुस्लिम के इत्तेहाद के पैगाम की दावत है। तो हम सबको जो है ना इत्तेहाद कायम करना है। अब अजा मत दो, हलाल मत खाओ, इस सब में पढ़ना नहीं है हमको। हमको अजा देना ही है, हलाल खाना ही है। इस बदले ನಮ್ಮ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಾಂಧವರು ಈ ಒಳ್ಳೆ ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದತಂತೀವಿ ಭಾಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇದು 14th ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟ। ಹೀಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ಹಾಗೆ ಸೌಹಾರ್ದವಾಗಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಾ 2 ವರ್ಷ ಹಿಂದಗಡೆ ಕರೋನಾ ನೆಪವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ ಆಗಿದಿಲ್ಲ, ಈಗ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ
ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವೇಶ್ವರ ಜಯಂತಿ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ದಿವಸ ಇದ್ದವ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಇಬ್ಬರೂ ನಾವು ಅಣ್ಣತಂಬರು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೋದರಂತೆ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಭಾವನೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಡಬೇಕು ಹೇಳಿ ಯಾವ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಮಾನ್ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಭಗವಾನ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಾ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ಬರಕಾತಹು ಆದಾಬ್ मैं सभी तमाम सहरान गुलबर्गा को मुबारकबाद देता हूँ माह रमज़ान के। जैसा कि अभी कुछ देर पहले मेरे सरपरस्त चंदू पाटिल साहब ने कहा, दो साल से कोविड का जो सिलसिला चल रहा था उसी वजह से हमने रमज़ान या ईद ठीक ढंग से नहीं मनाई। अब इसका मौका मिला है, ख़ास तौर पर खुसूसी मेरे को चंदू पाटिल साहब का बहुत डायरेक्शन था। एक इफ्तार पार्टी अब्दुर्रब अच्छी तरीके से होना है, उसके अंदर मैं इनविटेशन मेरे को भेज और मैं उनके साथ रोज़ा खोलूँ करके। तो साहब की ख्वाहिश दो सालों से मुसलसल मेरे साथ चल रही थी, इसी वजह से ये मौका मिला कि इस इफ्तार पार्टी को दिया। इसे खास इस मौके पर हमारे कृष्णा रेड्डी साहब भी यहाँ पर आए और एक गंगा जमनी तहजीब की जो मिसाल उन्होंने बात कही है बहुत ही उम्दा मिसाल है। शहर गुलबर्गा की जैसे जो सरन बसवेश्वर और ख्वाजा बंदे नवाज़ जैसी जो मिसाल है, ये मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। यहाँ गुलबर्गे के अंदर जो गंगा जमनी तहजीब है, इसकी पूरी दुनिया को यहाँ से एक मैसेज जाना चाहिए। जहाँ के लीडरान, यहाँ के हिंदू मज़हब मानने वाले, मुस्लिम मज़हब मानने वाले और दिजहब के मज़हब वाले जो भाईचारगी से रहते हैं, उसकी मिसाल ये है। आज इफ्तार पार्टी में मैंने खजूर चंदू पाटिल साहब के हाथ से मेरा रोज़ा खोला। मैंने बस यहाँ सब आने जितने भी मेहमान आए हैं, ख़ासतौर पर हमारे मुतिया साहब का और सभी मेहमानों का मैं शुक्र अदा करता हूँ और आप तमाम मीडिया वालों का मैं शुक्र अदा करता हूँ।